नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसबी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सामी होटल्स का जो आईपीओ यानी कि 14 सितंबर 2023 को ओपन होने जा रहा है उसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। क्या है कंपनी का प्लान, ये जानते हैं हम कंपनी के मैनेजमेंट से और अनिल सिंह वी सर से। तो दोस्तों, चैनल पर बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। तो दोस्तों, चलिए सुनते सामी होटल्स के आईपीओ कैसे रहेगा। जो खुलेगा, लेकिन जो कारोबार करती है और जिस तरह का कारोबार करती है उनके नाम आपने बहुत अच्छे तरीके से जरूर सुने होंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं न्यूज़ पर यूज़ से सामी होटल्स। सामी होटल्स, पहले मैं आपको कंपनी के थोड़े बिजनेस के बारे में बता दूं। हिंदुस्तान में कमरों की संख्या के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी होटल चेन चलाने वाली ये कंपनी है। 14 शहरों में 31 से ज़्यादा होटल का पोर्टफोलियो है। 4,800 कमरे कंपनी मैनेज करती है। एक्विजिशन करते हैं जो कमज़ोर होटल्स का, कमज़ोर मैनेजमेंट वाली होटल्स का, उसको फिर पूरी तरह से टर्न अराउंड करके डेवलप करते हैं। नाम अब मैं बता दूँ, आप पहचान जाएंगे, मैरियट, हयात, IHG, ऐसे कई सारे बड़े होटल ऑपरेटर्स हैं जिनके साथ कंपनी का करार है। इशू की जानकारी ले लीजिए, कल इशू खुलेगा, 18 सितंबर को होगा बंद। 119 से 126 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया है और लोट साइज भी 119 की रखी गई। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर एक लोट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 14,994 का देना होगा। 1200 करोड़ रुपये का फ्रेश इशू है और सिर्फ 170 करोड़ रुपये ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी जुटा रही है और मार्केट कैप 2750 करोड़ के आसपास का बनता है इशू प्राइस पर। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त कंपनी के चेयरमैन, MD और CEO आशीष जाखनवाल साहब हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपने होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट से आपने डिप्लोमा भी किया है और नई दिल्ली से, और साथ ही आपने इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से भी मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की है। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद समय दिया आपने, स्टूडियो में आए हैं। तो सर, पहले तो ये समझाएं सर, ये जितने हमने नाम देखे हैं आपके, ये सारी होटल्स आपकी हैं? हाँ जी। सो आपने जैसे बोला कि 31 होटल हैं, 4,800 कमरे हैं जी, और ये सारे होटल्स हम ओन करते हैं। नाम बताओ सर, कौन कौन सी होटल्स हैं? अच्छा, तो उसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हॉलिडे इन एक्सप्रेस होटल्स का। हॉलिडे इन आपकी है? हॉलिडे इन एक्सप्रेस। ओके। हाँ जी, तो अगर इंडिया में आप देखेंगे जितने भी हॉलिडे इन एक्सप्रेस हैं, 71% हम ओन करते हैं। अच्छा। वैसे ही फेयरफील्ड बाय मैरियट, यस यस, तो फेयरफील्ड बाय मैरियट इंडिया में जितने हैं 31 मार्च को जितने थे उसमें 43% हम ओन करते हैं। अच्छा। उसके अलावा काफी सारे अदर होटल हैं जैसे हाइट रिजेंसी पुणे में, शेरिटन हैदराबाद, रेनेसांस बाय मैरियट अहमदाबाद, हाइट प्लेस गुड़गांव, फोर पॉइंट शेरिटन आपका जयपुर में, पुणे में, विशाखापट्टनम में, तो सब मिला के 31 होटल हैं, 4,800 कमरे। सर, ये अलग अलग ब्रांड की होटल आपकी है, करेक्ट? सो मतलब सारी उनकी, ऐसा नहीं कि शेरिटन सारी आपकी हो, वैसा नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप स्पेसिफिक होटल खरीदते हैं? हाँ जी, हम होटल खरीदते हैं या पोर्टफोलियो खरीदते हैं कई जगह, और उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि उस मार्केट के लिए, उस कस्टमर के लिए क्या प्राइस पॉइंट है और उस प्राइस पॉइंट पे कौन से ब्रांड्स उस कस्टमर को सबसे अच्छा सर्व करेंगे और उस बेसिस पे फिर हम एक ब्रांड पार्टनर को चूज करते हैं। जैसे मैं किसी होटल में घुसा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये शेरिटन वाली होटल जो शेरिटन की है या आशीष जी की है? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक प्लाक होता है पीछे। अच्छा। लॉ रिक्वायर करता है कि ओनर का नाम लिखा होना चाहिए, पीछे जो बोर्ड होता है। लेकिन आप जब एज अ कस्टमर एंटर करते हैं तो हम चाहते हैं कि आप देखें कि आप फोर पॉइंट्स में जा रहे हैं, कि फेयरफील्ड में जा रहे हैं, कि हॉलिडे इन एक्सप्रेस में जा रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि अनिल जी, एक चीज बड़ी खास होती है ट्रैवल एंड टूरिज्म में, जब आप अमेजोन से कोई पैकेट मंगाते हैं और पसंद नहीं आता है तो आप उसको वापस कर सकते हैं जी। ट्रैवल एंड टूरिज्म में जब आप एक फ्लाइट लेके किसी होटल में चेक इन करते हैं और आपको पसंद नहीं आता है तो वापस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है जी। इसके अंदर ब्रांड रिकग्निशन काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए जब हमारा कस्टमर होटल में आता है तो हम चाहते हैं कि वो उसको रिस्पेक्ट करे कि वो फेयरफील्ड है या फोर पॉइंट्स है कि रेनेसांस। परफेक्ट। तो सर, आपने होटल बनाई तो है नहीं, नहीं। सारी बनी बनाई खरीदी? हाँ जी, हमने 3 होटल बनाए हैं। अच्छा, 3 बनाई है? हाँ जी। लेकिन ज्यादातर आप खरीदते हैं? करेक्ट। मतलब क्या स्ट्रेटेजी, कैसे करते हैं? देखिए, होटल बनाना आसान काम नहीं है, 3 से 5 साल बनाने में लगते हैं, 1.5 से 2 साल लगते हैं उसको स्टेबलाइज करने में। करेक्ट। जब आप पैसा डालते हैं, 7 साल बाद की आपको एक उम्मीद होती है कि क्या करेगा। 7 साल लगते हैं? 7 साल लग जाते हैं स्टेबलाइज आने में। राइट। करेक्ट। और 7 साल में इंडिया जैसी कंट्री अब फंडामेंटली चेंज हो जाती है। ठीक बात है।
उसी टाइम पे अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा पूल है होटल एसेट्स का इंडिया में जो अंडर मैनेज्ड है, अंडर परफॉर्मिंग है। कई सेक्टर्स में इंडिया में अभी इंस्टीट्यूशनल पेनिट्रेशन उतना अच्छा नहीं हुआ है, और जब इंस्टीट्यूशनल पेनिट्रेशन इंप्रूव करेगा तो आप देखेंगे एक शिफ्ट होगा बिजनेसेस का फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल टू इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स। राइट, हम वही स्टोरी होटल्स में प्ले करते हैं कि एक होटल है, लोकेशन अच्छी है, मार्केट अच्छी है, लेकिन प्रोडक्ट में इशू है, ब्रांड में इशू है, मैनेजमेंट में इशू है। तो आप जैसी उन चीजों को फिक्स करते हो आपको दिखता है कि परफॉर्मेंस एकदम से इंप्रूव करती है। सर ये तो सारी बड़ी बड़ी ब्रांड है, बड़े बड़े नाम है, इनसे नहीं चला तो आपसे कैसे चलेगा? नहीं जरूरी नहीं है सर, हम जब होटल खरीदते हैं तो वो मैरिट नहीं होता है, जब हम होटल खरीदते हैं तो हाइट नहीं होता है। अच्छा अच्छा, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली जी, फिर वो तो अच्छा मैनेजमेंट फिर आप करते हैं कि किसी शेरेटन को दे रहे हैं किसी नहीं? तो डे टू डे ऑपरेशंस ब्रांड करता है, हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेटजी होती है, हमारे पास प्रोडक्ट स्ट्रेटजी होती है, लेकिन डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं शेरेटन तो शेरेटन ही मैनेज करेगा, उनको अपने स्टैंडर्ड्स रखने हैं। शेरेटन जब हमने खरीदा था तो शेरेटन नहीं था, होटल ए था। वो होटल ए को खरीद के हमने उसका प्रोडक्ट इंप्रूव किया, ब्रांड शेरेटन लेके आए, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुआ। तो फिर सर इफेक्टिवली तो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो? बिल्कुल, प्रॉपर्टी हम एसेट खरीद रहे हैं और ऐसी जगह खरीद रहे हैं जहाँ पे कंज्यूमर अवेलेबल है हमारे लिए, उसके ऊपर हम उस एसेट में वो इंटरवेंशंस कर रहे हैं ताकि वो कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। अच्छा ये सर ये सामी नाम की इसकी क्या कहानी, मुझे पढ़ने में भी मुश्किल हो, क्या हाउ शुड आई प्रोनाउंस इट? सैमी, सैमी, ओके, हाँ जी, एच साइलेंट है, सैम ही, ओके, ओके। तो नहीं, थोड़ा सा इसमें कॉन्टेक्स्ट है कि एच आई जो है वो होटल इन्वेस्टमेंट है, ओके, है ना, और एस ए एम जो है वो आशीष मेरा नाम है बीच में जी, जी। और बाकी हमारे दो और 11 साल पहले को फाउंडर्स एक माना अच्छा, तो उनके हिसाब से सैमी है, तो उस समय हमने नाम रखा था और उसके बाद कंपनी भी अच्छी चल गई, नाम भी अच्छा चल गया, तो बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा अब तो आपके सारे होटल्स ओन, खुद के ओन है, उसमें कुछ होटल ऐसे हैं जो लॉन्ग लीज पे भी होते हैं, 30 से 60 साल की बात है। हाँ जी, तो वो थोड़े से। अब आपके फाइनेंशियल पे आते हैं, हाँ जी, इशू आप लेके आ रहे हैं करीबन कितना, 1200 करोड़ का कर्ज चुकाने वाले इससे, हाँ जी, तो ये इशू के कर्ज इशू से पैसा चुकाने के बाद भी आपके लिए डेट अभी भी रहता है, राइट? हाँ बिल्कुल। तो क्या प्लान है सर, और कितना आप इससे बचत कर पाएंगे? देखिए कोविड के दौरान हमारा डेट काफी बढ़ा, कि आपको मालूम है कि हमारा सेक्टर सबसे ज्यादा करेक्ट था, तो हमने पहले डीआरएचपी फाइल किया था 1000 करोड़ के प्राइमरी के साथ, फिर हमने उसको अपसाइज करके 1200 करोड़ कर दिया है, बिकॉज 1200 करोड़ का जो हमारा डीलेवरेजिंग होगा, जो डेट कम होगा, उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट काफी इंप्रूव होती है, नेटवर्थ, बैलेंस शीट, पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, वो सारा का सारा एक बार में इंप्रूव होता है, और बिकॉज रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी है हमारे सेक्टर में जी, और हमारे होटल्स जो हैं वो सारे के सारे गेटवे सिटीज में हैं, जैसे आपने देखा होगा ब्रांड्स अच्छे हैं जी, तो हम जो रेवेन्यू ग्रोथ सेक्टर को मिल रही है उसका एक अच्छा मार्केट शेयर हमारे पास आ रहा है। तो एक तरफ तो आपकी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, दूसरी तरफ हमारे आईपीओ प्रोसीड से जो बैलेंस शीट है वो एक साथ काफी डीलेवरेज होती है। लेकिन सर 1200 करोड़ का आप डेट रिपेमेंट करेंगे तब भी 1850 करोड़ रहेगा? हाँ जी करेक्ट, ज्यादा नहीं? नहीं, अगर आप अनिल जी देखिए तो 1800 करोड़ जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, आईपीओ जो है हमारी डीलेवरेजिंग स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। ओके, लेकिन फिर अब जैसे आप तो होटल खरीदते हैं, वापस से आपको खरीदनी होगी, तो दो समस्या है, एक तो अगर खरीदेंगे तो फिर से आपका डेट बढ़ जाएगा। नहीं, अगर आप देखिए तो हमारे पास करीब 600 कमरे हैं जो हम ऐड करेंगे अगले 2.5-3 साल में, और वो 600 के 600 कमरे कंपनी करंटली ओन करती है, हमें खरीदने नहीं है। अच्छा, तो वो हमने बन के तैयार हो रहे हैं। हाँ, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कर चुके हैं एक तरीके से, अगर आप एग्जिस्टिंग डेट देखते हैं तो वो ऑलरेडी आ चुका है उसमें, राइट? ओके, ये 600-650 कमरों का, करीब 620 कमरे हैं जी। तो आप देखेंगे अगले 2.5-3 साल में ना कंपनी के 4800 से 5400 कमरे होंगे, कुछ बिना कुछ खरीदे, बिना कुछ डेट बढ़े, वो 620 कमरे से इंक्रीमेंटल एबिटा और आएगा, राइट? तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट है ये जो डीलेवरेजिंग हो रही है उसके बाद, राइट? और हमारा सारा डेट लॉन्ग टर्म होता है, 10-12 साल का। तो अगर आप देखेंगे तो अगर एक बार आप 1800 करोड़ के आसपास डेट पे चले जाएंगे, कंपनी के पास फ्री कैश आना। तो सर क्या यही वजह कि आपके डेट दूसरे कंपैरिजन में आपके होटल कंपनी में जिसमें एवरेज को 6-7% डेट की, आपकी 10-12% की रेंज में, क्या लॉन्ग टर्म की वजह से? नहीं, लॉन्ग टर्म की वजह से नहीं है, उसमें आप देखेंगे हमारा कॉस्ट ऑफ डेट काफी कम आएगा आईपीओ के बाद काफी कम आएगा, क्योंकि कोई हाई कॉस्ट डेट है कोविड के टाइम पे तो रीपे हो रहा है आईपीओ प्रोसीड्स। ओके, अच्छा दूसरी चीज, अभी तक तो सर कोविड के वक्त और ये सब आपको सस्ती मिल गई सारी होटल, अब तो होटल इंडस्ट्री बूम में, अब कहाँ से सस्ती मिलेगी सर आपको? जी हमने तो हर कोई होटल चल रही है आजकल, हमने कोविड के टाइम कुछ नहीं खरीदा। अच्छा, हमने सारा जो बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया वो बनाया 2012 से 2018-19 के बीच में,
हमारा बिजनेस मॉडल है कि अगर कोई एक होटल आज 10 रुपए कमा रहा है तो उसको रीपोजिशन करने के बाद वो 15 कमाएगा नहीं कमाएगा, तो प्राइस टू वैल्यू रेशियो देखिए आप, राइट। वो प्राइस टू वैल्यू रेशियो सेम ही है, अगर वो पहले 10 कमा रहा था आज 15 कमा रहा है, लेकिन उसका अपसाइड अगर पहले 15 था तो वो 20 हो गया, 22 हो गया, तो प्राइस टू वैल्यू रेशियो सेम रहेगा कन्वर्जन में, रीब्रांडिंग में। बट हाँ, इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, हमारे लिए स्टेबिलिटी ऑफ इनकम इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट, बिकॉज वी आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो आई थिंक हमारे हिसाब से एक तो हमारी इंटरनल ग्रोथ काफी अच्छी है अगले 2-2.5 साल के लिए, हमें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, उसके बाद ये प्राइस टू वैल्यू रेशियो जो हमने डिस्कवर किया है वो मेंटेन रहेगा। आशीष जी, बाकी सब ठीक दिखता है, लेकिन जब आप स्टार्टअप से कैपिटल मार्केट में आते हैं, लिस्ट होते हैं, तो मार्केट एक चीज सबसे पहले देखता है, पैसा बना रही नहीं बना रही। बिल्कुल। तो पिछले 3 साल के जो मेरे पास फाइनेंशियल है उसके हिसाब से आपकी कंपनी में लॉस है, करेक्ट, राइट। सो अब आई डोंट नो, आप बता पाएंगे नहीं बता, बता पाएंगे तो बताइए सर कि प्रॉफिट कब दिखेगा, क्योंकि अल्टीमेटली है ना, लोग ये जानना चाहते हैं भाई प्रॉफिटेबल कब होगी कंपनी, क्योंकि तो आपको मालूम मेरे हाथ पैर दोनों बंद हो गए हैं। जी मैं जानता हूँ सर, लेकिन लेकिन कुछ हम कुछ डायरेक्शनल गाइडेंस दे सकते हैं। पहली बात तो अगर आप देखेंगे तो 2021-2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो कोविड से काफी इंपैक्टेड, राइट राइट, तो उसके लॉसेस तो काफी जेनेरिक हैं, करेक्ट से देखें, करेक्ट करेक्ट। लेकिन अगर आप 2023 में देखेंगे जो हमारे लॉसेस थे उसमें लार्ज पार्ट कंट्रीब्यूशन जो था वो एक नॉन रिकरिंग फाइनेंस कॉस्ट का था, ऑलमोस्ट 300 करोड़, 296 करोड़ जो था वो नॉन रिकरिंग वन टाइम फाइनेंस कॉस्ट थी, क्योंकि हमने कोविड के टाइम पे कुछ कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट लिए थे, एनसीडीज इशू करे थे, उनका जब सेटलमेंट हुआ, कन्वर्जन हुआ, मार्क टू मार्केट लॉसेस आए, तो वो एक तो सीधे सीधे आपको देखेंगे 296 करोड़ का एक्सपेंस चला जाएगा और रिपीट ही नहीं होना है। दूसरा जो हमारी रिकरिंग फाइनेंस कॉस्ट थी करीब 272 करोड़ की, वो 272 करोड़ की फाइनेंसिंग कॉस्ट भी काफी कम हो जाएगी, क्योंकि डेट जो है वो 2850 से 1800 आ रहा है, राइट। तो आप जैसे ये दो स्टेप्स लेते हैं, मैं आगे का फोरकास्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप सिंपल मैथ्स भी करते हैं 311 करोड़ के बिड्डा पे FY23 पे, तो आपको लगेगा कि इस कंपनी का आईपीओ के बाद डीलेवरेजिंग की वजह से द पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी काफी इमीडिएटली एक्सपेंड करता है। अच्छा सर, एक जो आपने एक्विजिशन किया था ACIC, ये एक्विजिशन क्या है इसके बारे में समझाइए, ACIC क्या कंपनी है, किस तरह के होटल थे इनके पास? So, इनके पास इंडिया में 6 होटल ऑपरेटिंग होटल थे, एक लैंड पार्सल है नवी मुंबई में, 6 होटल जो है उसमें 4 फेफील्ड बाय मैरियट है, 2 फोर पॉइंट्स बाय शेरेटन है, तो काफी कॉम्प्लीमेंट्री पोर्टफोलियो है जिस तरीके का हमारा होता है, मिड स्केल अपर मिड स्केल। तो हमने इस ये ऑल स्टॉक डील थी जो ACIC करके आपने शेयर दे दिए उनको आईपीओ से पहले। तो इससे क्या हुआ है कि एक तो हमारा पोर्टफोलियो 4,800 कमरे में चला गया है, हमें नवी मुंबई में एक लैंड पार्सल मिला है जिसमें 350 कमरे का होटल बन सकता है, नवी मुंबई आपको मालूम है ग्रोथ पाथ पे है, एयरपोर्ट आ रहा है। दूसरा अगर आप देखेंगे प्रोफॉर्मा बेसिस पे तो हमारा नेटवर्क पॉजिटिव हो गया इस एक्विजिशन के बाद, तो हमारा नेटवर्क नेगेटिव था FY23 में, इससे पॉजिटिव हो गया और आईपीओ से जो प्रोसीड आएंगे वो पूरे के पूरे ऐड होंगे नेटवर्क में, राइट। तो हमारे लिए एक पोर्टफोलियो इंप्रूवमेंट काफी अच्छे से हुआ, 6 होटल ऐड हुए, 1000 कमरे अप्रोक्सीमेटली ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आई नवी मुंबई में, प्लस हमारी बैलेंस शीट एक तरीके से देखिए रिकैपिटलाइजेशन था ये। ओके, आपने स्टॉक इश्यू करके आपने एसेट्स ले ली और आपकी नेटवर्क पर। एक आखिरी सवाल, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन सर, मेरे को दो चीजें समझनी है, एक तो ये कि सर बिना डेट बढ़ाए आप एक्सपांशन कैसे करेंगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो एसेट्स ही खरीदनी, राइट। और दूसरा ये कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपकी सेक्टर की दिग्गज है वो एसेट लाइट मॉडल रखती है, आप बिल्कुल उनके विपरीत है। बिल्कुल विपरीत नहीं है, तो आई थिंक थोड़ा सा रेवेन्यू ब्रेकअप देखना पड़ेगा हमको। अगर आप देखेंगे तो सारी जो होटल कंपनीज इंडिया में हैं 85% से ऊपर उनका रेवेन्यू ओनरशिप से आता है, 85% से ऊपर का किसी भी कंपनी का। अच्छा, राइट। हमारा अभी आज की तारीख में 100% है, तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी कंपनी है जिसका एसेट लाइट मॉडल से 50% रेवेन्यू आता है, 88% के आसपास रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो होता है एंड ओनरशिप से ही आता है इस बिजनेस में इंडिया में अभी, राइट। हमारा 100% है। दूसरा, हमारी कंपनी में भी करीब 13% रेवेन्यू आती है जो वेरिएबल लीज होती है 30 से 60 साल, जिसमें ना हम लैंड ओन करते हैं ना बिल्डिंग ओन करते हैं, राइट। लेकिन उसके अंदर 85% रेवेन्यू हम अपने पास रखते हैं, केवल 15% शेयर करते हैं। तो हम भी सेक्टर की स्टोरी को अच्छे से प्ले कर रहे हैं, कैपिटल एफिशिएंसी काफी अच्छी है, 70 लाख पर की में पूरा पोर्टफोलियो बना था पैंडेमिक से पहले। 13% हमारा जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वो आता है सॉर्ट ऑफ क्वासी एसेट लाइट मॉडल से। अगर आप एक्स्ट्रा एडिशनल पीयर्स को देखेंगे उनका भी 85-88% 90% जो ओनरशिप से आता है बाकी एसेट लाइट से आता है। तो आई थिंक इंडिया में अगले 10-15 साल की बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए, बिकॉज वो डिस्पोजेबल इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बाय प्रोडक्ट होता है। तो जिस भी मार्केट में आप 10 साल का ग्रोथ देखते हो उसमें एक ही चीज की ग्रीड होती है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मेरे पास आनी चाहिए। करेक्ट, ठीक बात है, बिल्कुल। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि कुछ बात। तो दोस्तों, ये थी सैमी होटल्स की आईपीओ रिव्यू और कंपनी से मैनेजमेंट से बातचीत,
दोस्तों वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिंक दिए हैं, वहाँ पर आप अपना अकाउंट बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।